जब मेहनत आप करते हैं, उत्पादन आप करते हैं, तो रेट तय करने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए। सिरमौर जिला पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि यहाँ पांवटा साहिब है। गुरु गोविंद सिंह जी पांवटा साहब को कई वर्षों तक अपनी कार्यस्थली के रूप में चुना और यहीं रहकर उन्होंने खालसा धर्म की स्थापना की और यहीं कई ग्रंथ की स्थापना की। मैं पांवटा साहब को प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के नेताओं का अभिनंदन करते हुए, आप सबको पता है कि आज चुनाव का आखिरी दिन और आखिरी सभा और इसको संबोधित करने के लिए प्रियंका जी आपके बीच में आई हुई हैं। यह भी आपको जानकारी है कि शिमला में मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और जहां हेलीपैड है वहां ओले गिर रहे थे, फिर भी आप सबका प्यार है वो प्रियंका जी को यहां ले आई। एक बार जोरदार प्रियंका गांधी। आदरणीय साथियों, आप सब ने अब मतदान करने के लिए मन बना लिया है, चंद घंटे बाकी हैं और आप सब ने जिस प्रकार से उत्साह और जिस प्रकार से एकजुटता और जिस प्रकार से हिमाचल की जनता ने प्रियंका जी को प्यार दिया है कि पांवटा साहिब सहित आप पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा, परिवर्तन अवश्य होगा, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, 5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी और ठाकुर साहब को आपने मुख्यमंत्री के रूप में दिया, बहुत कुछ दिया है आपको, दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, दिया है बहुत कुछ दिया है। क्यों? महंगाई आपको नहीं दी? 100 रुपया पेट्रोल नहीं हुआ? 400 का रसोई गैस 1100 नहीं हुआ? बेरोजगारी आपको नहीं दी? महंगाई आपको नहीं दी? तो आप कह रहे थे कि कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है, महंगाई बेरोजगारी ये सब उन्होंने दिया है। अब उसे लौटाने का, ब्याज सहित लौटाने का समय आ गया है। जो आपका काम न करे, किसानों को, बागवानों को किसान खेती की उपज की कीमत न दे, उससे बदला चुकाने का अवसर आया है। ये हमारे नौजवान खड़े हैं, इनको बेरोजगार बना के रखा है, उससे बदला लेने के समय आया है। हमारी माताएं बहने हैं, 200 लीटर में खाने का तेल और 1100-1200 रुपया रसोई गैस, ये बदला लेने का समय है। आप सब परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं, हाथ उठा के समर्थन करें। आप सब ने परिवर्तन का मन बना लिया है, माताएं बहने बैठी हैं, बड़ी संख्या में आई हैं। मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप भोजन पकाती हैं, रोटी बनाती हैं और नहीं पलटते तो क्या होता है? रोटी यदि आप तवा से ना पलटे, तवा में ना पलटे तो क्या हो जाता है? रोटी जल जाती है। तो यदि रोटी नहीं पलटे तो जल जाएगी, और इसीलिए जयराम ठाकुर को जयराम जी के कहते हुए आप सबको परिवर्तन लाना है, रोटी पलटने का काम आपको करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और ये आपसे वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर में ओपीएस लागू किया जाएगा। और प्रियंका जी कहती हैं कि पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लाया जाएगा, 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, 3000
यूनिट तक के बिजली बिल माफ, 300 यूनिट तक के बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक के, 1500 रुपया हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा, खेती किसानी जो बागबान है किसान है उसके उपज की कीमत आप तय करेंगे, ये उनके उद्योगपति मित्र तय नहीं करेंगे। जब मेहनत आप करते हैं, उत्पादन आप करते हैं, तो रेट तय करने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी आपको अधिकार देगी। गोबर भी खरीदेगी और दूध भी, तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। मैं आपके और प्रियंका जी के बीच में ज्यादा देर न रहते हुए आपसे केवल इतना गुजारिश, आप बड़ी संख्या में आए हैं, परिवर्तन का मन बना लिए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, एक बार जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाएं, कांग्रेस पार्टी।